बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मटन चौप की रेसिपी, जो बहुत ही आसान और दावतों में बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए देखिए, मैंने चौप्स ले ली थी, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। इसी के साथ ही मैंने डाल दिया है लाल मिर्चों का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी डाली है इसके अंदर, थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर जाएगा एक गिलास पानी डाल के हम ढक कर इसको गला देंगे। इसको इतना पकाना है कि एक असर ये रह जाए। ये देखिए पानी इसका खुश्क हो रहा है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है ज़ीरा, धनिया भुन के कुटा हुआ रखा था वो डाल दिया है, और पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो रही है ये। अब इसको मैंने अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया था ताकि मसाला इसके अंदर चढ़ जाए। अब ले लेते हैं, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब ले लेते हैं एक बाउल में दो अंडे ले लेते हैं। दो अंडों को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। इसी के अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई, ये जाएंगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये जो चौंप्स है ठंडी हो चुकी है, ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब ये चौंप्स हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें से एक एक उठाते जाएंगे मसाले सफ़ेद, और इसको हम अंडे भी डीप करके, ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से हम अंडे में डीप करके, ये देखिए, इसको अंडे में डीप करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह मैं सारी चॉम्प्स डाल दूंगी अंडे में डीप करके। ये देख लीजिए कलर इसका आपके सामने है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। ये दावतों में बनने वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, और ये जब भी कोई बनाएगा, जो भी खाएगा, उसे बहुत पसंद आएगी। आप एक दफ़ा ज़रूर उसको ट्राई करिएगा। ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर में मैंने इसको पलट दिया है ताकि ये अच्छे से, जो एक कसर हमारी रह गई थी वो कुक हो जाए। ये देखिए अब एक साइड ये हो गई, अब दोबारा हम पलटेंगे। ये देखिए इसी तरह हमें वक्फे वक्फे में पलटना है। देखिए रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैंने निकाल लिया है। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।